जी देखिए, विंडो जो हमारी फिल्म है, इसका ट्रेलर यूट्यूब पे आया और बहुत लोगों ने उसको बहुत सराहा और उस पर कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे लिखे। एक्चुअली ये फिल्म एक राइटर के बारे में है, उसके सपने, उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशी, उसकी फ्रस्ट्रेशंस, किस तरह से वो एक ऐसी सच्ची और आइडल फिल्म लिखना चाहता है, मगर जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है इंडस्ट्री, उसमें शायद उसके आइडियाज़ अच्छे से फिक्स नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहता है। और इस बीच उसके साथ क्या-क्या होता है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है, उसकी लाइफ में, उसकी उसकी फैमिली लाइफ में, उसके दोस्तों के साथ और उसके खुद के दिमाग में क्या होता है, बेसिकली इट्स अबाउट हिज ओन माइंड। क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ कभी-कभी कुछ ऐसे खेल खेल जाता है ना कि आपको यकीन नहीं होता। जैसे कभी कभी आपको एक ऐसा सपना आता है और आपको लगता है कि यार वो सपना इतना सच्चा था कि जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि ये सपना है और वो हकीकत है कुछ, मतलब ऐसे ऐसे, इट्स बिजार। सो आई कैन ओनली से कि जब आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे तो एक खुला दिमाग लेके जाइएगा और एंटरटेन होने के लिए जाइएगा, क्योंकि हम सब में एक राइटर छुपा है और हम सब में एक कलाकार है, जो आपको ये देखने के बाद मालूम पड़ेगा। यू रियली लव द फिल्म। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा, जैसे कि वो बताइए। हाँ, ये विंडो, द विंडो फिल्म में मेरा किरदार है एक राइटर का और मेरा नाम है इसमें लेख कपूर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये फिल्म उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे वो दुनिया को देखता है अपने दिमाग की खिड़की से, जैसे हम दुनिया को देखते हैं अपनी दो छोटी खिड़कियों से, वैसे ही वो इस पूरी दुनिया को अपने दिमाग में एनालाइज करता है और उस पर टिप्पणियाँ करता है अपनी राइटिंग के द्वारा। कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा है वो, जो कि शायद दुनिया में कुछ चेंज लेके आए, कुछ सनसनी मचाए या सच बताए जो अब तक नहीं किसी को मालूम है या किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ ऐसी बातें वो बताना चाहता है। देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या लिख रहा है, क्या वो सक्सीड हुआ लिखने में या नहीं। तो मेरा किरदार ऐसा है जिसकी उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, या उसकी फैमिली लाइफ कैसी रही है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके घर में क्या क्या हुआ, उसकी माँ बाप, उसके भाई बहन, उनके उनसे उसका रिश्ता कैसा है, उसकी वाइफ के साथ उसका कैसा रिश्ता है, ये सब चीज़ें एक किरदार को बनाती हैं जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में भी महसूस करते होंगे कि जिस तरह से आप अपने घर में रहते हैं उसी तरह से आप बाहर बर्ताव कैसा करते हैं, वो डिपेंड करता है इन दो चीज़ों पर। जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी तो जी हाउ वाज द फर्स्ट रिएक्शन, कैसा रहा रिएक्शन, और आपको क्यों लगा कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए? फर्स्ट रिएक्शन वॉज वाओ, आई विल हैव टू डू इट। इट वॉज लाइक दैट। इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट है ये एक कलाकार के लिए और ख़ास तौर से एक अभिनेता के लिए जो कि अपनी कला को पेश भी करना चाहता है, और एक एक बंधी हुई मजबूत स्क्रिप्ट अगर उसके पास आए जैसे कि द विंडो थी, तो इससे अच्छा मौका मैं नहीं समझता कि मिल सकता है एक आर्टिस्ट को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए इन सच ए टाइट निट स्टोरी। मुझे बहुत अच्छा लगा स्क्रिप्ट पढ़ के और मैंने पहली बार में उसको हाँ कर दिया। ऑन लोकेशन शूट की बात करें तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके को स्टार प्लस डायरेक्टर के साथ, कैसा रहा? को स्टार्स बहुत अच्छे थे सारे के सारे। मेरी दो लीडिंग एक्ट्रेसेस टीना सिंह, जो कि बहुत फेमस हो चुकी हैं, नेस्कैफे की ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी, और प्रीति शर्मा जिन्होंने मेरे साथ ही FTI से कोर्स किया है एक्टिंग का, और नागपुर के कुछ बहुत ही अनुभवी और मंझे हुए कलाकार, स्टेज एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स मराठी फिल्मों के, वो सब बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया और हमने एक दूसरे के साथ सीखते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए इस फिल्म को बनाया। और अगर बात करें शूटिंग की, ऑन लोकेशन की, तो वहाँ पे बहुत अड़चनें आई जो कि ऑब्वियसली आती हैं, क्योंकि फिल्म जो है वो बहुत ही प्यार से बनी है, मगर ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं है, तो एक मिड बजट की फिल्म है, तो उसमें जो परेशानियाँ आती हैं वो आई हमें भी, मगर हमने उस सबको कहें कि अपनी दृढ़ शक्ति से, निश्चय से, विल पावर से और ऊपर वाले की कृपा से उनको क्रॉस किया और फिल्म आपके सामने पहुंच रही है 27 को। जैसे कि सर ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जी और मंडे को जी में रिलीज होने जा रहा है, तो कुछ बताना चाहिए इसके बारे में? जी ज़रूर। ट्रेलर यूट्यूब पे बहुत सराहा गया, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोगों को बहुत पसंद आया, उन्होंने कमेंट्स अच्छे लिखे, काफ़ी शेयर्स हुए इसके, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ इस पे आ रहे हैं,
और जी भी रिलीज़ कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड जी के जो ऑडियंस भी बहुत अप्रिशिएट करेगी इसको, आई एम श्योर अबाउट इट। देखिए, ट्रेलर जो होता है वो आपको एक झलक दिखाता है फिल्म के मेजर पॉइंट्स की। अगर मैं आपको चार बिंदु दूं एक कागज़ पे बना के, तो आप उससे कोई भी तस्वीर बना सकते हैं। एक इंसान का चेहरा बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, कोई कुछ भी बना सकते हैं, आलू बैंगन कुछ भी। तो ट्रेलर का काम वो होता है जो आपकी इमेजिनेशन को फायर करे, और ये ट्रेलर वो काम कर रहा है। तो आपको ये ट्रेलर देखने के बाद ये फिल्म क्या 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 कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इसके हज़ार आइडियाज़ आएंगे। लेकिन जब आप फिल्म देखने जाएंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि द फिल्म विल बीट योर इमेजिनेशन, इट विल बी वन स्टेप, वो आपकी सोच से एक कदम आगे रहेगी हमेशा। आप सोचेंगे ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, वैसा भी नहीं होगा, कैसा होगा देखेगा। सर, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ अभी तक कोई एप्रिसिएशन मिला है स्पेसिफिक आपकी ट्रेलर को लेके? अगर मैं बात करती हूँ, लोगों से जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी अप्रिसिएशन मिला है ट्रेलर को, बहुत अप्रिसिएशन मिला है, और कैरेक्टर को तो अप्रिसिएशन मिला ही है, ऑन सेट भी मिला है और ट्रेलर देखने के बाद भी मिला है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि एक एक जो कैरेक्टर है वो अकेले नहीं बनता। जैसे मैं अकेले दीवार के साथ खड़ा होकर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, एक्टिंग इज़ ऑलवेज अबाउट रिएक्टिंग। तो अगर मेरे सामने वाला का जो कैरेक्टर है वो अच्छा करेगा, तभी मैं कुछ दे पाऊँगा। तो बेसिकली अगर मुझे कुछ थोड़ा सा इंस्पिरेशन या प्रोत्साहन मिला है लोगों से, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे जो सह कलाकार हैं, जो को एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसलिए मैं यहाँ तक कर पाया हूँ। से FTIC कोर्स करना कितना फायदेमंद होता है जो नॉन FTI होता है, कुछ बताना चाहिए आप? और कितना मतलब आपके लिए फायदेमंद रहा FTI से? जी, मेरे लिए तो बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मतलब था, और एक लॉजिकल और डिजिटल 0-1 के जो फ्रेम ऑफ माइंड है, एक सोच विचार लेके मैं FTI में गया, जहाँ पे उन्होंने मुझे सिखाया कि 0 और 1 के बीच में, लॉजिक के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो FTI से एक्टिंग कोर्स करने के बाद मैं एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकला हूँ, जिससे कि मैं दूसरे लोगों को और उनके इमोशंस को अच्छे से अप्रिशिएट कर सकता हूँ, जो कि शायद मेरी अदाकारी और अभिनय में आपको दिखेंगे। और एक नॉन FTI और FTI में मैं बस यही समझता हूँ कि आपको एक डिसिप्लिन में ढाल देते हैं वो। अगर आप, जैसे आपने सुना ही होगा कि एक अर्जुन था और एक एकलव्य था। अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने पूरी ट्रेनिंग दी, मगर एकलव्य को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ मूर्ति से धनुष चलाना और तीर बाण चलाना सीख लिया, धनुष कमान चलाना सीख लिया, और उनसे, अर्जुन से अच्छी उन्होंने तीरंदाजी की। तो ये डिसिप्लिन की बात है। आप FTI जाएँ, FTI ना जाएँ, NSD जाएँ ना जाएँ, आप खुद डिसिप्लिन रहें, तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। फिल्म के बारे में बात करें तो आगे की क्या है प्लानिंग, कुछ बताना चाहिए? प्रमोशन किस तरह से करने जा रहे हैं, कुछ बताना चाहिए आप? प्रमोशन तो इसी तरह से होने वाला है कि जैसे आप हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, लोग ट्रेलर पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर एक और कट आने वाला है, ट्रेलर का कुछ नए पोस्टर्स आने वाले हैं, और साथ ही साथ हम जी पे भी जा रहे हैं। तो प्रमोशन स्ट्रैटेजी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फिल्म की असलियत पहुंचा सकें, क्योंकि ये रोज़मर्रा की फिल्में नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही दिल से बनी है, बहुत दिमाग से बनी है। इतने सारे लोगों ने अपना पूरा खून पसीना एक करके इसको बनाया है, और ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। आप लेख में अपने आप को देखेंगे, ये मेरा दावा है। क्या ये फिल्म आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है आपके करियर के लिए, और ये कितना समाज को चेंज कर पाएगी? अगर ये फिल्म की बात करें तो कितना मैसेज दे पाएगी? जी, मैं आपका दूसरा सवाल पहले उत्तर करने की कोशिश करूंगा, समाज को चेंज करने वाली बात। तो जैसा कहा जाता है कि आर्ट जो है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, और वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोसाइटी भी आर्ट को इफेक्ट करती है। तो आज जो हो रहा है उसको देखते हुए ही ये फिल्म और बाकी की फिल्में बन रही हैं। मगर अगर आप बाकी फिल्में देखें जो अभी आ रही हैं, जो बड़े बजट की हैं या जैसी भी हैं, उन फिल्मों में आपको लगेगा कि यार मैंने पहले देख रखा है कुछ, ये पहले देखा था, अच्छा ये गाना कहीं सुना है, ये बीट सुनी है, डांस स्टेप देखा है, ये एक्टिंग देख रखी है। मगर ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो होता है मगर किसी ने दिखाया नहीं आज तक। तो कुछ ऐसी फिल्म है ये। और टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हाँ, अगर लोगों को पसंद आई तो हो सकता है कि अप्रिसिएशन मिले और चीज़ें और आगे हों, मैं आपके सामने और नए नए किरदार लेके आता रहूं। टर्निंग पॉइंट मेरे लिए यही होगा कि मैं आप लोगों के सामने
आता रहूं, कुछ नया लेके, कुछ ऐसा लेके जो कि आपको झिंझोड़े अंदर से और सोचने पे मजबूर करे कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है? आखिर में क्या कहना चाहिए आपके पूरे फैंस को और आपके व्यूअर्स को, क्या कहना चाहिए आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन, विल पावर और प्यार, ये ऐसी तीन चीज़ें हैं जो अगर आप सच्चे मन से करें और इन पे ध्यान दें और लगे रहें तो आपको कुछ भी मिल सकता है। मिलना मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा या वो कुछ या फेम या वो कुछ मिले, बल्कि मिलना होता है संतुष्टि का, थोड़ी पीस, सेटिस्फैक्शन, प्यार उसका। I will just like to say, just be yourself and keep working, keep rocking, and do watch the film. Thank you so much. Thank you. Is there a question, bro? मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। सर आखिर में क्या कहना चाहिए दर्शकों को, फिल्म के बारे में बताइए, क्या कहना चाहिए दर्शकों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर कम से कम एक बार तो ज़रूर देखिएगा। आपको लगेगा कि मैं आपके ही दिल की बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो आपको झिझोड़ेगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा सही गलत क्या है, या आपको बताने की कोशिश करेगा और आप एक सही निर्णय पर पहुंच सके अपनी ज़िंदगी में, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। यही मेरी कोशिश रहेगी, यही मेरे किरदार की कोशिश रहेगी, यही हम हमारी पूरी टीम की यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द फिल्म, एंड प्लीज़ डू वॉच द विंडो ऑन 27th अक्टूबर 2017। थैंक मैं गिरीश तिवारी, ठीक है, और इस फिल्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और मैं, अनुपुर जी, अमित जी, सुरेश जी, स्वर्णदीप जी, हम सब मिलकर इस फिल्म को हमने कंप्लीट किया है। फिल्म की बात करें तो फिल्म किस तरह की फिल्म है? द विंडो, अलग ही नाम है, कुछ कुछ बताना चाहिए आपने? ये फिल्म जिस तरह से नाम से आपको अलग रही है, एक्चुअल सुनिए यहाँ पे, अच्छा हाँ ये फिल्म अलग ही नाम है, द विंडो, क्या है अलग? जैसे नाम है उस तरह से ये फिल्म भी अलग है। ये बेसिकली एक राइटर की कहानी है, ठीक है, और एक ऐसा राइटर जो इंडस्ट्री को कुछ अलग देना चाहता है, उसके कुछ थॉट्स हैं, वो चाहता है उन चीज़ों को, वो आम जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उनसे अलग कुछ देना चाहता है, और वो किस तरह से यहाँ के जो मार्केट है जहाँ पर कहीं ना कहीं फिल्में रीमेक और आदि में उलझी हुई हैं, कुछ नए क्रिएटिविटी के ऊपर लोग यकीन नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक डर सता रहा है, तो इस तरह एक आर्टिस्ट जो एक अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करना चाहता है, अपने इमोशंस को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, उसके इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको फेस करते हुए वो किस तरीके से जो है वो काम करता है और आगे क्या होता है, ये तो फिल्म का सस्पेंस है, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट ओवरऑल आई थिंक ये दर्शकों को ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, और बाकी आप देखेंगे जो कि ये अपने को फिल्म ट्रेलर को। ऑलरेडी यूट्यूब में रिलीज हो चु ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है और जी भी ट्रेलर लॉन्च करने जा रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, अभी YouTube पे इसका ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, और जीप के थ्रू जब ये इसका ट्रेलर फिर से लॉन्च होने जा रहा है तो आई थिंक कि हमें और भी उसका बेनिफिट मिलेगा और दर्शकों तक हमारा जो ट्रेलर है वो पहुँचेगा और भी ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाएगा, और ओवरऑल उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से ट्रेलर को सपोर्ट मिला है, हमारी फिल्म जब आएगी तो लोग इसे भी उतना ही पसंद करेंगे। स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट किस तरह से चुने गए, कुछ बताना चाहेंगे? स्टार कास्ट, आप अगर इस पे स्टारडम की बात करें तो स्टार नहीं है, बट आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं। अमित बहुत ही अच्छा काम किया है, FTI से किए हुए हैं, प्रीति खुद वो भी FTI से हैं, टीना उन्होंने वो खुद एक आप कह सकते हैं एक बेहतरीन मॉडल में से काउंट होती हैं, अभी एक अच्छा मुकाम बनाया उसने भी, ठीक है, और आर्टिस्ट फेम नेम बिल्कुल अगर वो कहें कि फेमस नहीं है, लेकिन काम की अगर बात करें, आप फिल्म देखते हो तो एक आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस देखा जाता है, और उस परफॉर्मेंस लेवल पे जितने भी आर्टिस्टों ने काम किया है आप मानोगे कि सब
लोग उसे पसंद करेंगे। जो कैरेक्टर के अंदर घुस के काम करने का एक जुनून होता है वो उन सब आर्टिस्टों के अंदर है। फिल्म को प्रमोशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों को पहले जानकारी होती है इस तरह की फिल्म आ रही, तो आप किस तरह से प्रमोशन करने जा रहे हैं? सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है या कोई टेलीविजन शो में आप जाके प्रमोट करेंगे, जिस तरह से करते हैं स्टार? देखिए, बड़ी फिल्में जो बड़े बजट की बड़े स्टार की फिल्में होती हैं उनका प्रमोशन, और एक जो मिडिल बजट की फिल्में होती हैं इनका प्रमोशन, दोनों के प्रमोशन में फ़र्क होता है। हम टीवी प्रोग्राम्स में जाके और जैसे अदर शोज वगैरह में, तो उसकी प्लानिंग तो अभी फ़िलहाल हमारी नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है, अदर्स पीआर एक्टिविटीज़ में हमारा काम चल रहा है, ठीक है, बट मेनली हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और अदर्स जितने भी ऑनलाइन मीडिया हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अदर्स जो प्लान है थ्रू द मीडिया हम इंटरेक्ट होना चाहेंगे लोगों से। अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो द विंडो एक टाइटल ही अलग है, तो आपको लगता है बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाएगा फिल्म? आपके अनुसार लगता है ये फिल्म कमर्शियल वाइज धमाल मचाएगा? हाँ, देखिए, नाम जिस तरह से फिल्म का अलग है, नाम अलग रखने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि ये फिल्म भी अलग है। अगर हम एक कमर्शियल फिल्म, जो नॉर्मल फुल टू कमर्शियल फिल्म होती है, अगर वो फिल्म होती तो शायद नाम भी वैसा ही होता, ठीक है। फिल्म अलग है तो इसका नाम भी अलग होना ज़रूरी था। एक फिल्म है जो लोगों को एक नई आईना, मतलब एक नया सोच देने जा रही है, एक नई विंडो ओपन करने जा रही है एक तरह से, जो कहीं ना कहीं फिल्म का मेकिंग जो है उसमें आपको दिखाई देगा। जब ऑडियंस हमारी फिल्म देखेगी तो उनको एक नई फिल्म देखने को मिलेगी, एक जो वो कंटिन्यू जो फिल्में देखते हैं उससे एक अलग हटके स्टोरी है। आई थिंक ये स्टोरी उन्हें पसंद आएगी। फिल्म कहाँ कहाँ रिलीज़ होगी कुछ बताना चाहिए? ये फिल्म पूरी ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ होगी। कितने स्क्रीनों में रिलीज़ होगी? स्क्रीन 200 से 300 स्क्रीन में हमारा टारगेट है, 200-300 स्क्रीन में ये फिल्म हम रिलीज़ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स। मेरा नाम नूपुर श्रीवास्तव है और हम लोगों ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, मैं नूपुर श्रीवास्तव, मैं और गिरीश तिवारी हैं, स्वर्णदीप विश्वकर्मा और अमित जी हमारे फ्रेंड और क्या सुरेश जी, हम लोगों ने मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और हमें काफ़ी अच्छा लगा ये, मतलब इसकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी, स्टोरी है काफ़ी अच्छा, हमारे एक्टर्स हैं और मूवी काफ़ी बढ़िया बनी हुई है। तो मैम, द विंडो कुछ अलग ही नाम है आपको, तो कुछ बताना चाहिए? हाँ, द विंडो नाम अलग है क्योंकि हमारी मूवी काफ़ी अलग है और जैसे कि एक होता है मास ऑडियंस, एक होता है क्लास ऑडियंस। हमारी मूवी क्लास ऑडियंस के लिए हम कह सकते हैं कि एक अलग मूवी है, हटके मूवी है, और मूवी एक होता है सास बहू की मूवी है, एक होता है कि लव टाइप। हमारी मूवी में एक हमारे राइटर की स्टोरी हमने दिखाया हुआ है और कैसे कैसे वो एक आज के टाइम में, आज की एक इंडस्ट्री में किस तरह के कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कैसे सबसे लड़कर अपने को मार्केट में लाते हैं और किस तरह से पूरा एक उनकी जर्नी है, और वही सब हमारी स्टोरी के अंदर है। मैम, आप ये फिल्म को जब आपके पास स्क्रिप्ट आएगी तो आपको क्या लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए? क्योंकि एज अ प्रोड्यूस करना, हाँ, एज ए यंग यू आप एक्ट्रेस बन सकते थे, तो आप प्रोड्यूस करना पसंद किया, कुछ बताना चाहिए? और हमने सोचा था आप एक्टिंग में भी करते। पहले मैंने काफ़ी कुछ, जब मैं स्टार्ट मैंने अपना करियर किया था तो मैंने अपने एक्टिंग से स्टार्ट किया था। उसके बाद दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे बैक ऑफ द कैमरा काम करना ज़्यादा पसंद है, तो फिर हमने एक एनजीओ में काम किया, मैंने काफ़ी बड़ा एनजीओ था उसमें काम किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद फिर हमारा प्लान हुआ कि हम खुद अपना एक प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और बस हमने फिर। तो ये जो राइटर है, ये कोई सच्ची कहानी, काल्पनिक कहानी है? कहानी तो ये काल्पनिक है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन जब आप मूवी देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप उसके अंदर अपने आप एक लगेगा कि मूवी जो है एक रियल स्टोरी जा रही है, मतलब मेकिंग इस तरह से हमारी बनाई हुई कि हम लोग को ऐसा लगता है कि रियल स्टोरी हम लोग देख रहे हैं। ये ऑलरेडी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है यूट्यूब में और काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रहा है, और मंडे को ये ट्रेलर लॉन्च जी में भी होने जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? ये तो काफ़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि जी टी वी मतलब इस ट्रेलर को लॉन्च करने जा रही हैं, और काफ़ी कुछ प्लानिंग्स भी हैं बाकी यूट्यूब और फेसबुक एंड अदर मीडिया जो भी हैं, तो हम लोग
मैक्स टू मैक्स हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग इसको माउथ पब्लिक सिटीज से या किससे इसको प्रमोशन करें, क्योंकि क्या है कि मूवी जो है मैंने जैसा कहा कि लो बजट की भी है और मास इसके ऑडियंस ने मतलब नहीं है, क्लास ऑडियंस के लिए है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग मैक्स टू मैक्स इसको प्रमोट कर रहे हैं और हमारे काफ़ी टूर प्लान्स भी हैं, हम लोग काफ़ी 7-8 जगह टूर करने वाले हैं, तो देखते हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो इन्हें कैसे चुना गया इनको स्टार कास्ट के बारे में और कुछ बताना चाहिए उनके बारे में? हमारे हाँ हमारे जो स्टार कास्ट है, जैसे हमारे मेन लीड अमित जी हैं और प्रीति जो उनकी वाइफ का रोल कर रही हैं, और थर्ड वन है टीना करके, हाँ टाइम टीना। तो हमारे जो अमित जी हैं और आयशा जी हैं, ये सॉरी कैरेक्टर का नाम या प्रीति या सॉरी या जो प्रीति जी हैं, ये लोग हमारे FTI से हैं और काफ़ी काफ़ी मतलब एक जो हमने उनका एक्टिंग देखा जो भी लगा कि लग रहा था कि मतलब एक रियल स्टोरी हम देख रहे हैं, एक मतलब इतने प्यारे हमारे एक्टर्स हैं ये तीनों कि इन्होंने स्टोरी को एकदम इस तरह से निभाया, मतलब इस तरह से दिखाया स्टोरी को कि लगता है कि हाँ हम एक रियल स्टोरी ही देख रहे हैं। और जो हमारी माया जी है जो प्ले कर रही है, मतलब टीना करके एक्ट्रेस है, वो आज डेट में तो ब्रांड नेम है उनका, तो काफ़ी सिनेमाघरों की बात करके कब तक रिलीज हो जाएगी सिनेमाघरों में, और क्या फ्यूचर में आपको सोशल मीडिया में रिलीज करिए फिल्म या यूट्यूब चैनल जैसे अमेजोन भी रिलीज करता है, नेटफ्लिक्स है, तो किस तरह के रिलीजेस होंगे? हाँ तो हम लोग नेटफ्लिक्स में क्या रिलीज करेंगे हम लोग फिल्म, अगर फ्यूचर में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अमेजोन? श्योर श्योर बिल्कुल, हम लोग का पूरा उस पर वर्कआउट चल रहा है और बिल्कुल हमारा प्लान है कि हम लोग सब पे करें, और अदर जो प्रोजेक्ट्स की बात है तो वो हमारे पाइपलाइन में, और हम पे एक प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है कट टू कट के, ये कंप्लीट होने रिलीज होने के बाद हमको उस पे काम करना है। क्या आने वाले दिनों में हम आपको देख सकते हैं एक्टिंग करते हैं? नो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे बैक ऑफ द कैमरा ज़्यादा काम करना पसंद है, तो अब तो फिर प्रोड्यूस ही मुझे करना है, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे तो आप फिर से मिलते हैं जब हम नेक्स्ट। Thank you so much talking to us and best of luck for your film. Thank you so much.